नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। आइए जानते हैं कि कौन कहां बना मेयर, पार्षद प्रत्याशी और सभासद प्रत्याशी। लखनऊ की सबसे पहले बात कर लेते हैं। लखनऊ नगर निगम में सुषमा खरकवाल, जो बीजेपी से मेयर प्रत्याशी थी, उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। कानपुर नगर निगम प्रमिला पांडे, गाजियाबाद नगर निगम सुनीता दयाल बीजेपी से जो मेयर प्रत्याशी रही थी। सहारनपुर की अगर बात करें तो नगर निगम डॉक्टर अजय सिंह को जीत मिली है। अयोध्या नगर निगम गिरीश पति त्रिपाठी, वाराणसी नगर निगम से अशोक तिवारी को जीत हासिल मिली है। आगरा नगर निगम हेमलता दिवाकर, जो बीजेपी से मेयर प्रत्याशी थी, उनको बड़ी जीत हासिल मिली है आगरा से। वही अगर बात करें झांसी नगर निगम की, तो वहां से बिहारी लाल, जो बीजेपी से पार्षद मेयर प्रत्याशी थे, उन्हें जीत मिली है। शाहजहांपुर नगर निगम से अर्चना वर्मा को, फिरोजाबाद नगर निगम कामनी राठौर को, मेरठ नगर निगम हरिकांत अहलूवालिया को जीत मिली है। प्रयागराज नगर निगम गणेश केशरवाली को, अलीगढ़ नगर निगम को प्रसाद सिंघर, मुरादाबाद नगर निगम से विनोद अग्रवाल को जीत मिली है। गोरखपुर नगर निगम से मंगलेश श्रीवास्तव को जीत हासिल हुई है। बरेली की बात करें तो बरेली नगर निगम से उमेश गौतम को जीत मिली है। मथुरा वृंदावन नगर निगम से विनोद अग्रवाल को जीत हासिल हुई है। लखनऊ की मेयर सीट के एक बार फिर भाजपा की झोली में चली गई है। बाकी मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल सपा की वंदना मिश्रा को 52,699 मतों से हरा दिया है। पार्षदों की भी ज्यादातर सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी ही जीते हैं। बता दी, मेयर पद पर भाजपा की सुषमा खरकवाल पहले ही राउंड से आगे चल रही थी। जैसे जैसे मतगणना का दौर बढ़ता गया, उनकी लीड भी बढ़ती गई। मेयर पद के लिए यहां 13 प्रत्याशी मैदान में थे। बीजेपी मुख्यालय में इस जीत के बाद शाम को जश्न मनाया जाएगा। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर ये जश्न मनाया जाएगा। बता दें कि इस जश्न में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम और राधा मोहन भी मौजूद रहेंगे। अब लखनऊ के अन्य प्रत्याशियों की भी बात कर लेते हैं। नगर पंचायत काकुरी के बस्ती रामकटरा वार्ड 12 से सभासद आरिफ 2076 वोटों से विजयी हुई है। अमेठी के कचियाना वार्ड से सपा से शाहीन बानो विजयी हुई है। वार्ड संख्या 12 बस्ती रामकटरा से आरिफ लगातार तीसरी बार सभासद चुने गए हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी अमान को 84 वोटों से हराकर विजयी घोषित किए गए हैं। इटौंजा से जीते सदस्य वार्ड 1 रागनी रावत निर्दलीय चुनाव जीती हैं। कुंवर ज्योति प्रसाद से गौरी सांवरिया 2400 मतों से जीत हासिल की है। सपा की ज्योति सिंह को भी हराया है। नगर पंचायत काकोरी के वार्ड नंबर 2 फुलवारी से गीता उर्फ बेबी ने जीत दर्ज की है। अम्बेडकर नगर वार्ड से सपा के सुभाष चंद 1109 मतों से जीते हैं। भाजपा के संतोष धानुक को भारी मतों से हराया है। नगर पंचायत काकोरी के वार्ड नंबर 2 फुलवारी वार्ड से गीता उर्फ बेबी ने जीत दर्ज की है। गोसाईगंज के सरार ककोरा वार्ड से भाजपा से सोनी विजयी हुए हैं। वही बात करें चरणजीत गांधी मोतीलाल नेहरू नगर चंद्रभानु गुप्ता की, तो उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस के सूर्यपाल सिंह को 2000 मतों से हराया है। महोरा से वार्ड 2 कटरा मोहल्ला से बसपा की बुलबुल कनौजिया की जीत हासिल हुई है। वार्ड नंबर 1 महात्मा गांधी भाजपा प्रत्याशी सभासद कुसुमा देवी 882 मतों से जीती है। कांति देवी को 510 मत मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी 372 मतों से विजयी हुई हैं। वार्ड नंबर 15 की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद नगर निर्दलीय प्रत्याशी सारिका शुक्ला को 130 मत मिले हैं। कांग्रेसी प्रत्याशी को 86 मत मिले। एक निर्दलीय प्रत्याशी 44 वोटों से विजयी हुई हैं। बीजेपी प्रत्याशी अतुल कुमार वार्ड नंबर 3 इंदिरा गांधी नगर 320 मत मिले। एक निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र को 277 मत मिले हैं। वहीं एक भाजपा प्रत्याशी अतुल कुमार 43 वोटों से विजयी हुई है।
मुजफ्फरपुर नगर की बात करें तो शाहपुर नगर पंचायत में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीता हुआ है। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अकरम उर्फ कल्लू ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी के प्रत्याशी प्रमेश सैनी को हरा कर आगे आए हैं। बीजेपी प्रत्याशी को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने हराया है। वही बात करें बरेली मेयर चुनाव में तो बीजेपी के उमेश गौतम को बड़ी जीत मिली है। महाराजगंज आनंद नगर से बीजेपी की विजय लक्ष्मी को जीत मिली है। गाजीपुर बहादुरगंज नगर पंचायत से सपा के रियाज अंसारी को जीत मिली है। उन्नाव कुरसठ पंचायत से निर्दलीय अब्दुल रईस जीते हैं। इटावा भरसना से सपा के अजय यादव ने जीत का पंचम लहराया है। प्रयागराज की बात करें तो फूलपुर नगर पंचायत से बीजेपी के अमरनाथ यादव ने अपने जीत का पंचम लहराया है। महाराजगंज धुबरी पंचायत से भाजपा के ओपी गुप्ता ने जीत हासिल की है। कन्नौज गुरसहारगंज नगर पालिका से बीजेपी की मुन्नी देवी जीती हैं। वही बात करें महाराजगंज की तो घुगली पंचायत से भाजपा की ओपी गुप्ता ने जीत हासिल की है। अमेठी मुसाफिर खाना से बीजेपी के ब्रजेश गुप्ता ने जीत दर्ज की है। एटानगर पंचायत जैथरा से निर्दलीय विवेक गुप्ता ने जीत दर्ज की है। शामली कैराना नगर पालिका से निर्दलीय प्रत्याशी शमशाद अंसारी जीत दर्ज कर चुके हैं। उन्नाव नगर पालिका से बीजेपी की श्वेता मिश्रा जीत कर सामने आई है। गाजीपुर बहादुरगंज पालिका से सपा के रियाज अंसारी जीते हैं। बात करें अलीगंज एटा अलीगंज की तो पालिका से बीजेपी की सुनीता गुप्ता ने जीत हासिल की है। मुरादाबाद नगर निगम की सीट पर भाजपा का कब्जा हो गया है। विनोद अग्रवाल ने जीत हासिल की है। भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने 3589 वोटों से जीते हैं और विनोद अग्रवाल को कुल 1,13,04,412 मत मिले हैं। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस को 1,21,415 वोट मिले। बसपा को 1,17,826 सपा को 1,58,045 वोट मिले हैं। वही अगर बात करें मऊ मुरादाबाद मोना नगर पंचायत से तो बीएसपी की इंदु देवी ने जीत दर्ज की है। गाजीपुर गंजीपुर नगर पंचायत निर्दलीय सुख साना परवीन जीती हैं। तो ये थी अपडेट जहां पर निर्दलीय जो प्रत्याशी जीते हैं उनके नाम और साथ ही सभासद प्रत्याशियों के नाम और उनकी जीत। तो पल पल अपडेट के लिए जुड़े रहिए 24x7 लाइव टीवी।